ये हमारा पॉइंट बेटा हमारे पास है, और इसमें अगर बात करें जीवन क्या है, देखो बेटा तो गिवन क्या बोला गया है कि डी ई पैरेलल ओ क्यू, डी ई डी ई डी ई पैरेलल ओ क्यू जो गिवन है, डी ई पैरेलल ओ क्यू गिवन है, और डी एफ पैरेलल ओ आर, डी एफ पैरेलल ओ आर, डी एफ पैरेलल ओ आर, ठीक है, और ये गिवन है। तो प्रूव करना है, जो जो सिद्ध करना है हमें, ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ पैरेलल क्यू आर, बोलो बेटा। देखिए बेटा क्या करिए, सबसे पहले आप प्रूव में आइए। देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, ये कहा गया है डी ई पैरेलल ओ क्यू, जो डी ई वाला पार्ट है वो किसके पैरेलल है, ओ क्यू के पैरेलल है। तो कहने की जो डी ई और जो ओ क्यू है ना, वो कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास ट्रायंगल पी क्यू ओ, डी ई पैरेलल ओ क्यू है ना, तो ट्रायंगल पी क्यू ओ में आ रहा है। तो ऐसे लिखिए, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल सॉरी इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, ट्रायंगल पी ओ क्यू में डी ई साइड ओ क्यू के पैरेलल गिवन है, कि जो डी ई साइड है वो ओ क्यू के पैरेलल है। तो डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, ये हमारे पास गिवन है, यानी हिंदी में दिया है। अब आप लोग देख रहे हो ट्रायंगल पी ओ क्यू में अगर डी ई साइड ओ क्यू का पैरेलल है, तो अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको इस तरह दिखता है कि दो साइड पैरेलल है, तो बी पी टी थ्योरम से आप लोग जानते हैं कि बी पी टी थ्योरम से क्या हो जाएगा, अगर डी ई पैरेलल ओ क्यू है तो हम बोलेंगे देन बाय बी पी टी थ्योरम से क्या हो जाएगा, पी डी अपॉन में डी ए, पी डी अपॉन में डी ए सॉरी डी ओ डी ओ डी ओ पी डी अपॉन डी ओ इक्वल हो जाएगा पी ई अपॉन में ए क्यू के, पी ई अपॉन में ई क्यू के, पी ई अपॉन में ई क्यू के, लिख देंगे बाय बी पी टी थ्योरम, बाय बी पी टी थ्योरम, यानी थ्योरम 6.1। सेम प्यारे बच्चों यहाँ पर भी ऐसे ही ये हो गया। अगला देखिए प्यारे बच्चों, डी एफ पैरेलल ओ आर, डी एफ पैरेलल ओ आर, जो डी एफ पैरेलल ओ आर है वो कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है, इन ट्रायंगल पी ओ आर, तो लिखिए इन ट्रायंगल पी ओ आर। अगर हम ट्रायंगल पी ओ आर की बात करें तो आपको दिख रहा है डी एफ पैरेलल किसके, ओ आर के, डी एफ पैरेलल ओ आर के, और अगर डी एफ साइड ओ आर के पैरेलल है तो हमें 6.1 यानी बी पी टी थ्योरम ने हमें सिखाया है कि अगर आपको दो साइड इस तरह पैरेलल दिखें तो आप उनके साइड का रेशियो क्या कर दें, इक्वल कर दें। यानी अगर डी एफ पैरेलल ओ आर है तो हम बोल सकते हैं कि पी डी अपॉन में डी ओ, पी डी अपॉन में डी ओ इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर, ये भी बाय बीपीडी थ्योरम हो जाएगा, इक्वेशन नंबर टू। प्यारे बच्चों आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जरा ध्यान से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट में आप देख रहे हैं यहां भी पी डी अपॉन डी ओ आ रहा है, और सेकंड में भी पी डी अपॉन डी ओ आ रहा है, यानी कि पी ई अपॉन ई क्यू ये भी पी डी अपॉन डी ओ के बराबर है, और पी एफ अपॉन में एफ आर ये भी पी डी अपॉन में डी ओ के बराबर है। तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम चीज़ के बराबर हैं, इसलिए पी ई अपॉन में ई क्यू किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ अपॉन में एफ आर के। तो बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन,
यानी समीकरण एक और दो से क्या हो जाएगा कि पी ई अपॉन में ई क्यू किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ अपॉन में एफ आर के, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए थर्ड आ गया, अब जो थर्ड में जो चीज बन रही है जरा एक बार उसको देखिए, पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर। कहीं ना कहीं ये जो पी ई अपॉन ई क्यू और जो पी एफ अपॉन एफ आर है ये पूरे ट्रायंगल पी क्यू आर में हो रहा है ना। अब मैं ऐसे आप ऐसे में बोल सकता हूँ कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर मैं ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करूँ तो हमें क्या दिख रहा है कि पी ई अपॉन में ई क्यू किसके बराबर है बेटा, पी एफ अपॉन में एफ आर के, है ना। ऐसे अब आप प्रूव हो सकते हैं, है ना, ऊपर प्रूव किया हमने कि पी ई अपॉन ई क्यू किसके बराबर है, पी एफ अपॉन में एफ आर के, ठीक है बराबर है। तो पी ई अपॉन में ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन में एफ आर के। अगर ये दोनों साइड, अगर पी ई अपॉन में ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन में एफ आर के, तो बताओ रिया शर्मा आप क्या बोल सकते हो, ई एफ पैरेलल क्यू क्या चीज कन्वर्स ऑफ बीपीडी, यानी कि जो बीपीडी थ्योरम को कन्वर्स थ्योरम है, जो 6.2 थ्योरम है वो यही तो बोलता है कि अगर दो साइड का रेशियो या आप अगर किसी ट्रायंगल में जो साइड का रेशियो इक्वल दिखे तो लाइन क्या हो जाएगी पैरेलल, तो हम बोल देंगे देन क्या बोल सकते हैं कि ई एफ पैरेलल क्यू आर, कि ई एफ जो पैरेलल किसके हो जाएगा बेटा क्यू आर के बाई कन्वर्स ऑफ बीपीडी थ्योरम, ठीक है जी। फिलहाल मैं यहाँ पर थ्योरम 6.2 लिख देता हूँ, एग्जाम में आप 6.2 थ्योरम में लिख के आना, एग्जाम में बाई कन्वर्स ऑफ बीपीडी लिख के आना। ये क्वेश्चन नंबर 5 था बेटा, ठीक है, जो सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास, समझ गया आप पक्का, देख लो मैं कराऊंगा यहाँ पे आपको। अच्छा चलिए सर जरा बुक दो बेटा, बेटा क्वेश्चन 5th हो गया ना, एक बार जरा क्वेश्चन 6 भी देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 6 का फिगर जो हमारे अच्छा 6 का फिगर नीचे दिया गया बेटा हमें ना, क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें, देखो बेटा पहले इसका ना फिगर बना लेते हैं, थोड़ा यहाँ पर एक फिगर के अंदर दूसरा फिगर बन रहा है, ठीक है जी। पहले एक छोटा ट्रायंगल दिया हमें, एक ऐसा ऐसा इस प्रकार, इसका नाम है ए, ये मेरे पास है बी, ये मेरे पास है सी, ठीक है। उसके बाद बेटा ये जोड़ा हुआ है कि ज्वाइन नहीं है, एक किसी बच्चे ने ये इंक से कर रखा था, पता नहीं चलता है इसका ये ज्वाइन ही नहीं है, ये भी ज्वाइन है बेटा ना। अब ये थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा क्या, तो जो भी है ऐसा कुछ शायद है, इसका नाम है पी, इसका नाम बेटा क्यू, इसका नाम है आर, और इसका नाम है ए, इसका नाम सी, और ओ कौन है, सेंटर भी है। ये किसकी किताब है यार, ऐसे कौन करता है, ये इतना गंदा कर रखा, देखो ये समझ बताओ, अब लग नहीं रहा वो जोड़ा हुआ है, बच्चों ने कभी ऐसे पेन से बच्चों ने ऐड कर जोड़ देते हैं बेमतलब का उसको, ठीक है सर। अब गिवन, तभी मैं कहता हूँ सर विद्या है, विद्या हमारी माँ है, माँ का ऐसा मत कह करो मेकअप यार, मेकअप नहीं गंदा कर देते आपने नहीं किया, हर बच्चा ही बोलता है
कि मैंने जिस बच्चे से ली थी उसने किया था। देखो गिवन क्या है, एक बार गिवन देख लेते हैं। गिवन बोला गया ए बी सी आर पॉइंट ओ पी क्यू आर वगैरह वगैरह जो भी है, जो मेन पॉइंट पे आओ। गिवन है ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी है पैरेलल पी क्यू के, ठीक है, ए बी पैरेलल पी क्यू, ओके। उसके बाद ए बी पैरेलल पी क्यू, उसके बाद क्या और क्या गिवन है बेटा, ए सी पैरेलल पी आर, ए सी पैरेलल पी आर, और टू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, बी सी पैरेलल क्यू आर। अगली बार से ऐसे मत करना किताब के साथ, बहुत ही मारे जाओगे, नहीं तो नहीं ऐसे मत बोला करो विद्या के बारे में। गिवन टू प्रूव, देखिए प्यारे बच्चों, सर कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, आप लोग जानते हो या तो बीपीटी लगना है या बीपीटी का इन्वर्स, आप इन्वर्स लग जाएगा। देखिए बच्चों, पहले आप ना देखिए क्या है, अच्छा ए बी पैरेलल पी क्यू, यार जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, वो ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू के। अब सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये समझने वाली बात हमारे पास ये हो जाती है कि यार ये आ किस ट्रायंगल में, अच्छा ए बी पैरेलल पी क्यू, ठीक है जी। अब सर यहाँ पर ट्रायंगल कौन सा आ रहा है हमारे पास, ठीक है जी, मान लो सर जो हमारे पास है ये जो ए बी साइड है, ये साइड पी क्यू पैरेलल है, ऐसे हमारे पास जो गिवन है ए सी साइड बेटा किसके पैरेलल है, पी आर के। अब देखिए सर ये जो साइड है, ठीक है, अब देखने वाली बात हो जाएगा सर हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, ऐसे ए सी साइड किसके पैरेलल है बेटा, ए सी वाली साइड बेटा किसके पैरेलल है, पी आर के पैरेलल है। ए सी पैरेलल पी आर, देन उसके बाद बेटा, ठीक है जी, अब यहाँ पर प्रूव करना है कि बी सी पैरेलल क्यू आर। अब सबसे बड़ी बात ये हो जाती है ना, मतलब ये समझ नहीं आता कि ये ट्रायंगल कौन सा लें, सबसे बड़ी बात है ना। अब देखो ना यार ये ट्रायंगल कौन सा लें, अब ये ए बी है, ये पैरेलल पी क्यू के है, अब ट्रायंगल कौन सा लें। तो देखो बेटा आप देख रहे हो ना, अगर ए बी ये पी क्यू है, तो थोड़ा सा अगर मैं ए बी को इसको मैं ऐसे आगे बढ़ाऊं और इसको मैं ऐसे आगे बढ़ाऊं कि तो ट्रायंगल बन नहीं रहा, अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे आगे बढ़ा दूं और इसको मैं आगे बढ़ा दूं तो हाँ एक ट्रायंगल बन रहा हमारे पास, अब एक ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ लिख दो इन ट्रायंगल, सबसे बड़ी बात होती है कि ट्रायंगल की खोज करना कि कौन से ट्रायंगल में हरकतें हो रही है। तो ए बी पैरेलल पी क्यू, जो ए बी पैरेलल पी क्यू है वो जो हरकत हो रही है वो हो रही है ट्रायंगल ओ पी क्यू में, तो इन ट्रायंगल ओ क्यू पी, ट्रायंगल ओ पी क्यू, थोड़ा सा ट्रायंगल लेटा हुआ है ऐसे, तो ट्रायंगल ओ, थोड़ा सा एक बार 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 उसको फोकस करो, क्यों माइंड सबसे बड़ी बात होती है कि माइंड में ट्रायंगल को बनाना कि अच्छा ये ट्रायंगल दिख रहा है हमें, और दिख लेते बहुत सारी साइड्स दिख रही हैं पर एक ट्रायंगल पी ओ पी क्यू दिख रहा है। अच्छा तो इसमें ए बी पैरेलल पी क्यू है, इसमें ए बी किसके पैरेलल है बेटा, पी क्यू के, तो ए बी पैरेलल पी क्यू है, तो अगर ए बी पैरेलल पी क्यू है ये तो गिवन है, तो देन तब हम बोल सकते हैं संध्या क्या हो जाएगा, अगर ए बी पैरेलल पी क्यू है तो क्या हो जाएगा फिर, हाँ अच्छा संध्या करिए सर, अगर ए अगर ट्रायंगल ओ पी क्यू में अगर ए बी पैरेलल पी क्यू है तो भैया फिर आप कह सकते हो कि ए ओ अपॉन में ए पी, ए ओ अपॉन में ए पी हो जाएगा बी ओ अपॉन में बी क्यू, बी ओ अपॉन में बी क्यू, यहाँ पर आप लिख दोगे बाय बी पी टी, बाय बी पी टी इक्वेशन फर्स्ट, समझो भाई साहब, ठीक है, कि ए ओ अपॉन में
एपी और बी ओपन में बी क्यू बटा। सेम प्यारे बच्चों ऐसे यहां पर हमारे पास बनेगा किस में, कह रहा है ए सी पैरेलल पी आर। अच्छा ए सी पैरेलल किसके, पी आर के। तो ए सी पैरेलल पी आर, बताओ लो कैस बिस्ट कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, यानी इन ट्रायंगल ओ पी आर, इन ट्रायंगल ओ पी आर, ठीक है। तो ट्रायंगल ओ पी आर में कौन पैरेलल है, ए सी किसके पैरेलल है, पी आर के। तो ए सी पैरेलल किसके हैं, पी आर के, ये गिवन है। गिवन मतलब दिया है। अब अगर ए सी पैरेलल पी आर के है तो क्या हो जाएगा, आप ही बताइए। हाँ ए ओ अपॉन में ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन में सी आर, क्यों हुआ बेटा, बाय बी पी टी थ्योरम, बाय बी पी टी, ठीक है सर। इसको मान लो इक्वेशन टू मान लिया। अब यार दोनों में कुछ कॉमन लग रहा हमें, क्या लग रहा है, सेम है। चलो बेटा तो फर्स्ट इक्वेशन में हमें ए अपॉन ए पी लग रहा है और सेकेंड में भी हमें ए अपॉन में ए पी लग रहा है। समझो आप जितने भी 6.1 में या मतलब 6.1 और 6.2 थ्योरम 6.1 और थ्योरम 6.2 उस पर बेस जितने भी क्वेश्चन होंगे ना सब में यही होगा। सॉरी जितने भी इक्वेशन बनाओगे ना आप उनमें एक दोनों में कुछ ना कुछ साइड का रेशियो सेम आएगा। जैसे ये क्वेश्चन किया था आपने तो यहाँ पे देखो आप देख रहे थे ना, इसमें भी हमारा जो आ रहा था जैसे यहाँ पर ना पी डी अपॉन डी ओ और यहाँ पे पी डी अपॉन में डी ओ आ रहा था, सेम यहाँ भी ए अपॉन में ए पी, यहाँ भी ए अपॉन में ए पी। तो ये वाला पार्ट भी ए अपॉन ए पी के बराबर है और ये पार्ट भी ए अपॉन में ए पी के बराबर है। तो यानी कि बेटा हम बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो बताओ बेटा फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से क्या हो जाएगा, बी अपॉन बी क्यू। हाँ बोलो इज इक्वल टू ओ सी अपॉन में सी आर, ठीक है जी। अब इसको थर्ड मान लो आप, तो ये जो आ रहा है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आ रहा है बी ओ अपॉन में बी क्यू। अच्छा बी ओ अपॉन में बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन में सी आर। तो ये कहीं ना कहीं जो बी ओ अपॉन में बी क्यू और जो ओ सी अपॉन में सी आर ये बन रहा है इस ट्राइंगल में, किस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में जिसका नाम आपको दिख रहा है ओ क्यू आर, ये ओ क्यू आर के अंदर बन रहा है। तो बोल देंगे इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, ट्राइंगल ओ क्यू आर में आप क्या देख रहे हो बेटा, क्या दिख रहा है आपको, बी ओ अपॉन में क्यू आर, बी ओ अपॉन में बी क्यू, सॉरी क्यू आर कहाँ है जो हमने बोला वही, ट्राइंगल ओ क्यू आर में बी ओ अपॉन में बी क्यू, बी ओ अपॉन में बी क्यू, बी ओ अपॉन में बी क्यू बराबर है ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन में सी आर के, ओ सी अपॉन में सी आर के। ये फ्रॉम थर्ड बोल सकते हैं, ये अब प्रूफ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन समीकरण ओ सी अपॉन सी आर ना, ओ सी अपॉन में सी आर। तो बोलिए हिमांशु जी आप बोलिए, अगर ट्राइंगल ओ क्यू आर में ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर है ओ सी अपॉन सी आर के तो बाय इनवर्स ऑफ बी पी टी बाय क्या हो जाएगा, बी सी पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगा बाय इनवर्स ऑफ बी पी टी थ्योरम, ठीक है जी। तो बाय इनवर्स ऑफ बी पी टी थ्योरम ठीक है सर। तो ये मेरा जो क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा है, 6 हमारा एंड हो जाता है ना। किसी को पूछना पूछिए बेटा जल्दी फटाफट, अगर डाउट है जल्दी पूछिए, ठीक है शाबाश, और नहीं तो राइट डाउन करना, राइट डाउन कर ले बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 और 8
वो आपने क्लास नाइन्थ में किया होगा। तो बेटा क्या कहता है ये क्वेश्चन सेवन करो ध्यान से देखोगे, यूजिंग थ्योरम 6.1, ठीक है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, रिकॉल यू हैव प्रूव्ड इन क्लास नाइन्थ। अब ये क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि यूजिंग थ्योरम 6.1, हमें थ्योरम 6.1 का यूज करना है, चलिए कह रहा है प्रूव दैट लाइन ड्रॉ थ्रो मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अच्छा एक लाइन ड्रॉ किया गया है, एक ट्राइंगल मेरे पास ऐसा है, ठीक है ठीक है, ये ट्राइंगल मैंने बना दिया। अगर मैं तो चाहूँ एक ही बार में इसको लिख दूँ सीधा, पर मैं आपको वन बाय वन इसलिए करा रहा हूँ ताकि इसके एक एक पॉइंट की मीनिंग क्या बैठ रही है वो देखो आप। तो लाइन ड्रॉन थ्रो मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, यानी एक साइड का मिड पॉइंट दिया हुआ है, मान लो इसका नाम मैंने ई रख दिया, तो ई किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। तो हम ऐसे बोल सकते हैं जितना ए ई उतना बी ई, ठीक है। तो एक ट्राइंगल ये है, उसके मिड पॉइंट से एक लाइन पैरेलल खींची गई है ना, है ना, पैरेलल खींची गई है, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, मान इसका नाम एफ है। अगर फिलहाल मैं बोलूं कि सवाल में जो गिवन है, फिलहाल के हिसाब से हमें गिवन यह दिया गया है कि इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में हमें यह दिया गया है कि ई किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, ठीक है, यानी ए ई मतलब ई किसका मध्य बिंदु है, ए बी का, ई किसका मध्य बिंदु है, ए बी का, यानी जितना ए ई है उतना बी है, ए ई बराबर बी ई, ए ई बराबर बी ई, ठीक है, है ना। और पहले कह रहे ये लाइन पैरेलल भी खींची गई है, ई ई है पैरेलल, ई है पैरेलल डी सी। अब एक्चुअल में होता है कि बच्चे बोलते हैं सर ये बोलना क्या चाह रहा है सवाल, हम समझ नहीं पाते, जैसे कि वो थ्री इडियट में बोलता है ना डेफिनेशन मशीन की, इतनी लंबी चौड़ी, वो बोलता है तुम बोलना क्या चाह रहे हो, है ना, पहले बुक्स की बोलता है फिर मशीन की बोलता है। अच्छा चलो कोई नहीं सर, जो भी बोलता है डेफिनेशन बोलता है उसमें, ठीक है। अब ये बोलना क्या चाह रहा है ये, है ना, तुम कहना क्या चाहते हो, वो आजकल वो मीम से तुम लोग बना रहे हो, है ना, तो वही चीज़ है बेटे यहाँ पर है। ये कह रहा है कि प्रूव दैट द, अच्छा ये तो गिवन था, तो प्रूव क्या करना फिर, है ना, कि प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट, लास्ट में बोला गया ना बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ये प्रूव करना है कि बाइसेक्ट द थर्ड साइड, लास्ट में लिखी गई है ना बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मतलब जो टू प्रूव करना है बेटा, जो सिद्ध करना है वो ये करना है बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मतलब ए एफ, है ना, थर्ड साइड नहीं है, अच्छा बाइसेक्ट, हाँ थर्ड साइड, ए एफ किसके बराबर है, एफ सी के बराबर है। हिंदी में ऐसे बोला गया है कि अगर किसी एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो सिद्ध करो वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगा, है ना, ये प्रूव करना है कि जो एफ है मतलब एफ मतलब जितना ए एफ होगा उतना एफ सी। बाइसेक्ट का मतलब ये है कि यानी एफ ए सी का मिड पॉइंट हो गया, या आम भाषा में ए एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ। ये जो थ्योरम है ये क्लास नाइन्थ की थ्योरम 8.10 ये इन मिड पॉइंट थ्योरम का इनवर्स है, ये हाँ भाई कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम उसका कन्वर्स है, ये 8. ये क्लास नाइन्थ की 8.10 नहीं है, ये 8.10 थ्योरम है बिल्कुल। चलिए अब एक बार बेटा देख लेते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ें गिवन हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं है बेटा। देखिए सर अगर हम प्रूफ पे आए तो, हाँ बेटा क्यों नहीं, वो तो देर का पैरेलल, पैरेलल गिवन में, पैरेलल गिवन, पैरेलल देख नहीं रहे आप, ठीक है, तो
तो प्रूफ में इन ट्राइंगल ए बी सी, सबसे पहले ट्राइंगल लिखिए सर आप, इन ट्राइंगल ए बी सी। अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी की बात करूं तो बेटे क्या गिवन है, ई एफ किसके पैरेलल है, बी सी के, ई एफ पैरेलल बी सी, ई एफ पैरेलल बी सी, ये गिवन है, ये गिवन है। तो अगर ई एफ पैरेलल बी सी गिवन है तो क्या कहेंगे आप, रिया क्या नाम आपका, रिया कश्यप नाम आपका, अगर ट्रायंगल एबीसी में ई एफ साइड बी सी के पैरेलल है तो मोहित लटवाल जी आप बोलिए, ए अपॉन ई बी, ए ई अपॉन में ई बी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, कौन से रूल से, बाय बीपीडी। चलिए सर इतना तो आप समझ गए हैं कि बाय बीपीडी लगेगा यहाँ पर, इक्वेशन फर्स्ट मान लो है ना कि सर अगर ई किसी भी ट्रायंगल में दो साइड पैरेलल तो साइड के रेशियो इक्वल हो जाएगा, ए अपॉन में ई बी बराबर ए अपॉन में एफ सी। चलिए सर ये हमारे पास हो चुका है। अब प्यारे बच्चों एक चीज करो ठीक है जी, अच्छा बेटा ध्यान दो, मुझे क्वेश्चन में उसने पहले बोला हुआ है कि ए ई किसके बराबर है, बी के, ए ई बराबर है बी के। एक काम करो देखो बेटा, ए ई को मैं ए ई ऐसे लिख रहा हूं, क्या मैं बी ई की जगह, मैंने बी ई की जगह भी क्या लिख दिया, ए ई लिख दिया बेटा, क्योंकि ए ई और बी आपस में क्या इक्वल है, ए ई और बी आपस में इक्वल है, इसलिए जहां पर ए ई है वहां से ए ई आ रहा है और बी ई की जगह मैंने ए ई लिख दिया, क्यों भाई साहब लिख सकता हूं मैं पक्का देख ले। चलिए और ए एफ अपॉन एफ सी ऐसे आ जाएगा, ए एफ अपॉन एफ सी ऐसे आ जाएगा। प्यारे बच्चों आप ए ई से ए ई काट सकते हो, यानी आप वन बाई वन कर सकते हो, तो ए एफ अपॉन में एफ सी आप लिख सकते हो। अब अगर इन्हें क्या सर, इन्हें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर हम ए एफ ने, अगर हम ए एफ को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए एफ ही आएगा, और अगर हम एफ सी को वन से मल्टीप्लाई करें तो एफ सी आएगा। तो हमें क्या प्रूव करना था, ए एफ इक्वल टू एफ सी, ए एफ इक्वल टू एफ सी हुआ सर। विनायक जी आया समझ में आपके, पक्का सही में, ये हमारा हैंड्स प्रूव्ड हो गया, हैंड्स प्रूव्ड इति सिद्धम। अब देखो बेटा क्वेश्चन सेवेंथ और एट लगभग मतलब एक दूसरे के इनवर्स हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एट देखते एक बार ठीक है, प्रश्न संख्या आठों में क्या कह रहा है बेटा ये क्वेश्चन, कौन है ट्राइंगल, देखो बेटा उसने क्या बोला है यहाँ पर, भाई थ्योरम 6.1 ठीक है जी, ये बोला उसने ठीक है। चलिए सर अब देखो बेटा थ्योरम 6.2 क्या कहता है, प्रूव दैट, प्रूव दैट ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल। अच्छा कोई एक ट्राइंगल है, कोई हमारे पास एक ट्राइंगल है, चलो मैं इस क्वेश्चन को यहां पर करता हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट ठीक है, मेरे पास कोई ट्राइंगल दिया गया, ओके सर एक कोई ट्राइंगल है ए बी सी नाम का ठीक है। अच्छा वन बाय वन पढ़ रहा हूं बेटा कि लाइन, प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल, मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड यानी मेरे पास कोई दो साइड है, मान लो एक साइड ये एक साइड ये ठीक है, मान लो ए बी का मिड पॉइंट ये मैंने मान लिया ई और ए सी का मिड पॉइंट मैंने मान लिया एफ ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, तो ए बी का मिड पॉइंट है ई और ए एफ ए सी का मिड पॉइंट है एफ, मैंने इनको जोड़ दिया, मैंने इनको जोड़ दिया ठीक है, जोड़ दिया। अब क्या कह रहा है वो कहता है प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, मतलब इतना सारा गिवन था अभी तक और जो अब बोला गया ना इज पैरेलल टू थर्ड साइड, यानी मुझे ये प्रूव करना है कि ई एफ पैरेलल बी सी होगा, ई एफ पैरेलल बी सी होगा, ये मुझे प्रूव करना बेटा ठीक है। तो गिवन की बात करें, जो गिवन हमारे पास दिया है
एन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में ई मध्य बिंदु ए बी का, यानी ए ई बराबर बी ई, ओके सर, और ए एफ बराबर एफ सी, ए एफ बराबर एफ सी, ये गिवन है। तो प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सर? ई एफ पैरेलल बी सी, ई एफ पैरेलल बी सी, ठीक है, ये पैरेलल बी सी, ये आपका। तो ये तो हमारे पास क्लास नाइन्थ का थ्योरम 8.9 था, जिसको मिड पॉइंट थ्योरम बोलते थे। आप कहता है कि मिड पॉइंट थ्योरम को, मिड पॉइंट थ्योरम में हमें क्या करना है, बेटा किसका यूज करना है, थ्योरम 6.2 का यूज करना है इसमें। चलिए सर, चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं सर, करिए सर। चलिए सर, आप गिवन टू प्रूफ, प्रूफ पर आ जाओ बेटा। प्यारे बच्चों, अगर मुझे मुझे यहाँ पर फिलहाल नाइन्थ क्लास का कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करना, जो भी करना है टेंथ का यूज करना मुझे, सॉरी बेटा। तो बेटा अगर हम एक काम करें, अगर मुझे क्या दिया गया है कि हाँ ई ए पैरेलल बी सी ना, ई ए पैरेलल बी सी प्रूव करना है। अब अगर मुझे ई ए पैरेलल बी सी प्रूव करना है तो मुझे कहा गया थ्योरम 6.2 का यूज करो, यानी 7.6.2 जो थ्योरम 6.2 ये बोलता है कि अगर, सॉरी ये कहता है कि अगर साइड के रो से इक्वल आ जाएं तो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो यानी मुझे ये लाना पड़ेगा कि ए अपॉन में ई बी किसके बराबर लाना पड़ेगा, ए एफ अपॉन में एफ सी के बराबर लाना पड़ेगा। चलिए सर, देखो बेटा एक काम करते हैं, एक काम करते हैं कि ए अगर मैं बाय द वे, देखो बेटा जैसे मैंने कहा ए, अगर मैं ए अपॉन बी लिखता हूँ, प्रूफ में लिखता हूँ मैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि वो हमारे पास कोई और चारा नहीं है, यही चारा है। अगर मैं ए ई अपॉन में लिखता हूँ बी ई, मैं ए अपॉन में लिखता हूँ बी, कोई दिक्कत नहीं, हम लिख सकते हैं, लिखने में क्या जा रहा है भाई। मैंने ए अपॉन बी लिखा और ए को मैंने क्या लिख दिया, ए, क्योंकि ए किसके बराबर है, बी, तो बी को मैंने क्या लिख दिया, ए लिख दिया, ठीक है ना, मैंने ए अपॉन बी लिखा बेटा, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, अब मैंने क्या किया बेटा उसके बाद कि या ये भी ठीक है, और मैं क्या डबल कर दूँ, नहीं सुन कोई नहीं, छोड़ छोड़ रुको जरा, ठहरो, इसके अलावा मैं दूसरा रास्ता भी ढूंढ रहा हूँ, ये तो है ही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कंडे के बाद वन आ जाएगा, ठीक है, और कोई रास्ता नहीं है, यही अपनाओ फिलहाल। अगर मैं ए अपॉन बी लिखता हूँ सर, कहाँ मैंने लिख दिया, मान लो ए अपॉन बी करता हूँ मैं, तो सोल्व करने पर कितना आएगा, वन आ गया। तो ए अपॉन बी को सोल्व करने पर भी वन आ रहा है, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं बाय द वे ए अपॉन में एफ सी लिखता हूँ, तो ए एफ को मैंने ऐसे लिख दिया, क्योंकि जो एफ सी और ए एफ आपस में क्या है, इक्वल है, जहां पर एफ सी वहां के लिखा मैंने ए एफ लिखा, तो ए एफ से एफ कैंसिल, कार्ड में कितना आया, वन आया ना, है ना, वन आया, इस क्या मान लिया, इक्वेशन टू मान लिया। अब एक चीज देखिए, ए ई अपॉन बी ई ये भी किसके बराबर है, वन के, और ए एफ अपॉन में एफ सी ये भी किसके बराबर है, वन के, दोनों वन के बराबर है। तो आप ही बोलिए रिया कश्यप, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, अगर ए ई अपॉन बी ई भी वन के बराबर है और अगर ए एफ अपॉन एफ सी भी वन के बराबर है तो क्या हो जाएगा, अच्छा बिल्कुल, अच्छा आपने ये कहा, बिल्कुल क्या कहा बेटा आपने, कि सर ए अपॉन में बी ई बराबर हो जाएगा ए एफ अपॉन में एफ सी, यही कह रहे हैं आप, yes, चलिए सर मुझे पता है क्या कह रहे हैं आप, यही कह रहे हैं आप सर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया बेटा,
ए अपॉन बी बराबर ए अपॉन में एफ सी, ठीक है। अब देखिए सर, इसको सॉरी थर्ड मान लो आप, तो ए अपॉन में ए बी बराबर ए अपॉन में एफ सी है ना। आप लिख दो यहाँ पर इन ट्राइंगल, जो ए बी सी ट्राइंगल है मेरे पास, ए बी सी है, वहाँ पर ए ई अपॉन में बी ई किसके बराबर आ रहा है, ए एफ अपॉन में एफ सी के, क्या लिख दोगे, फ्रॉम थर्ड, ठीक है जी, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। तो अगर ए अपॉन में ई बी बराबर ए अपॉन में एफ सी के, यस वर्धन जी, तो क्या हो जाएगा, ई एफ पैरेलल बी सी, क्यों बेटा, क्यों, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, ठीक है लिख दो बेटा। तो बी पी टी थ्योरम के कन्वर्स से हमारा प्रूफ हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए सर, तो इसको आप राइट डाउन कर सकते हो जल्दी से। नमस्ते भाई, नमस्ते सर, नमस्ते, नमस्ते जी, कल इसको राइट डाउन करो सर फटाफट, सवाल जल्दी से, कि ये ना 9 और 10 एग्जाम में सर देखने को मिल जाते हैं, और इनका फिगर भी नहीं बनाया गया क्वेश्चन 9-10 का। क्या बोला गया है, ए बी सी डी ट्रेपेजियम इन बीच ए बी पैरेलल डी सी। अच्छा, ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, एक ए बी सी डी, ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, ठीक है। अब ट्रेपेजियम तो साइड पैरेलल होगी भी, गिवन 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 मेरे पास है, गिवन है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ओके सर, ओके ठीक है, ट्रेपेजियम है ना, अब बराबर ने पैरेलल हो, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, ठीक है। और डायगनल इंटरसेक्ट इधर एट पॉइंट ओ, ठीक है चलिए सर, डायगनल इसके डायगनल ओ पॉइंट पर काट रहे हैं, मैं जोड़ना पड़ेगा मुझे इसका डायगनल, इसके विकर्ण एक दूसरे को ओ ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ओके थैंक यू बेटा हिंदी बताने के लिए। तो प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि ए ओ अपोन में बी ओ, ए ओ अपोन में बी ओ इक्वल टू सी ओ बराबर नहीं अपोन में डी ओ, बेटा बराबर डी ओ, भाई और बहन फर्क नहीं होता क्या है, ठीक है। देखो बेटा गिवन क्या है कि ए डी प्लस सी डी, ओके प्रूव करना है कि ए अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ ठीक है, और सी अपॉन में डी ओ, सी अपॉन में डी ओ। देखो बेटा जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो पहले सोचो दो मिनट ज़्यादा हो जाएगा, कुछ सेकंड सोचो, और अगर फिर सोचने के बाद अगर समझ में आ गया तो फिर ठीक है। अब जब मैंने जैसे इसको मैंने देखा तो मेरे माइंड में ख्याल आया कि यार ए अपॉन बी ओ, ये कैसे ए अपॉन बी ओ हो सकता है यार, कैसे, अभी तक पढ़ा ही नहीं हम, तो ऐसे दिस अपॉन में दिस पढ़ते थे कि ये ए अपॉन बी ओ और सी अपॉन डी ओ, सी अपॉन में डी ओ। हाँ अगर मान लो ये हाँ, और अगर थोड़ा सा जैसे ए अपॉन बी ओ है अरे सी अपॉन डी ओ है, तो मैं चाहूँ तो सी ओ किसके नीचे ला सकता हूँ, ला सकते हो भाई है ना। देखो ए ओ ऐसे ही है तो सी ओ को इसके नीचे भेज दो है ना, ओ डी तो ऐसे ही है तो बी ओ को यहाँ भेज दो। तो क्योंकि हमें तो ऐसी आदत पड़ी हुई है ना, ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ बाई सी ओ, और बी ओ बाई डी ओ, बी ओ बाई डी ओ, मतलब ये मुझे प्रूव करना है, तो यानी उससे ये मुझे प्रूव करना है, तो कहीं ना कहीं इससे पहले ऐसा रहा होगा, ये मुझे प्रूव करना लास्ट में, तो जो इसका स्टेप, ये तो मैंने लास्ट में प्रूव करना है, तो इससे पहले ये ऐसा रहा होगा ए ओपन में सी ओ, तो यार ए ओपन में सी ओ यानी ए ओपन में सी ओ, तो यानी जो मुझे ट्रायंगल लेना पड़ेगा ना, कुछ कुछ ऐसा लेना पड़ेगा। देखो क्या हम यहाँ से इसको यहाँ नहीं भेज सकते, यहाँ से ऐसे नहीं भेज सकते, हमने कोई मैथ का रूल तोड़ दिया क्या, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 2/3 है, ऐसे कर सकता हूँ, 2 को यहाँ ले सकता हूँ, 3 ऐसे ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, समझो समझो हमें क्या दिक्कत है, कर सकते हैं नीचे वाले को भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, तो
हम जिसको चाहे जहां उठा सकते हैं, है ना। अगर हम इसको यहां लाए, इसको हमने यहां भेज दिया, ऐसे कर सकते हो आप। मैं इसको यहां लाया, ये क्या हमने ए होता तो सीओ यहां ले आया, इसको यहां भेज दिया। अब बताओ इसको यहां लिया, इसको यहां लिया। अब ये जब ए ओपन सी हो रहा होगा, सॉरी ए ओपन सी हो रहा होगा, यानी ट्रायंगल ऐसा कुछ रहा होगा। जब बी ओ ओपन में डी ओ रहा होगा, बी ओ ओपन में डी ओ, तो बच्चे कैसे ट्रायंगल ऐसा रहा होगा। नहीं बेटा, मैं कह रहा ट्रायंगल ए की लो, ट्रायंगल उस टाइम उल्टा रहा होगा। जब ए ओ ओपन में ओ सी रहा होगा, तब ट्रायंगल ऐसा रहा होगा, ऐसा मतलब ये ट्रायंगल ए डी सी रहा होगा। जब जब बी ओपन डी ओ रहा होगा, जब बी ओपन में डी ओ रहा होगा, तब ट्रायंगल उल्टा रहा होगा, ऐसे उल्टा ट्रायंगल। सर सर कहना क्या चाह रहे हो आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ मुझे ट्रायंगल एक ही लेना है, मतलब एक ही साइड वाला। अब यानी कि यहाँ पर और कुछ नहीं बचता, मुझे करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। क्या ये मैंने अभी स्टेप लिखा ना, ये अभी आएगा सोल्व करने के बाद। अब लिख कर रहा हूँ मैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मैं ऐसे बोल रहा हूँ, क्या करो बेटे, यहाँ से लाइन खींच दो पैरेलल, मान लो इसका नाम रख दो पी, ड्रॉ पी ओ पैरेलल डी सी, ऐसे बोल दो। कि ड्रॉ पी ओ पैरेलल डी सी, है ना। मैंने क्या किया, पी ओ को बेटे किसके पैरेलल खींच दिया, डी सी के पैरेलल। पी ओ को खींच दिया मैंने किसके पैरेलल, डी सी के। तो अब आप देख रहे हैं बेटा, अब आप देख रहे हैं प्रूफ में कि इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी। अब अगर आप ट्रायंगल ए डी सी में देखेंगे, ट्रायंगल ए डी सी में देखेंगे, पी ओ किसके पैरेलल है, डी सी के। पी ओ किसके पैरेलल है, डी सी के। तो विनायक जी क्या हो जाएगा, विनायक जी ट्रायंगल ए डी सी में, ए ट्रायंगल ए डी सी में पी ओ पैरेलल डी सी है, क्या ए पी अपॉन डी पी। यहां गिवन ऐसे बोल सकते हैं कि पी ओ किसके पैरेलल है बेटा, पी ओ पैरेलल डी सी, पी ओ पैरेलल डी सी। देन ए पी अपॉन में पी डी, चलो इसको यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है ठीक है। अगर पी ओ पैरेलल किसके हैं, डी सी के, देन ए पी अपॉन में पी डी, ए पी अपॉन में पी डी इक्वल हो जाएगा ए ओ अपॉन में ओ सी के, ए ओ अपॉन में ओ सी के। क्या बोलेगा बेटा, बाई बीपीटी थ्योरम, बाई बीपीटी थ्योरम। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट सेम है ना, बोलो कुछ बोलना चाह रहे हो, ठीक है ये हो गया। ऐसे प्यारे बच्चों, अब कोई बच्चे बोलूंगा भैया एक काम करो, अब ये इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। नहीं बेटे, मैंने कहा आप एक ही बार कंस्ट्रक्शन करो, बार बार कौन करे। ऐसे ही बोलो सिमिलरली इन ट्रायंगल, इसी प्रकार किस ट्रायंगल में, सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी में, सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी बी में, ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल उल्टा कर दे, देखो उल्टा कर दिया, ऐसे उल्टा ट्रायंगल उल्टा हो गया बेटा, ऐसे हो गया। देखो देखो लो ए, ये बी और ये डी, उल्टा कर दे मैं आपको, ले लो भाई, और ये पी ओ, ये पी ओ। अब एक चीज बताओ, देखो कॉमन सेंस वाली बात है ये, देखो पी ओ जो है ना, पी ओ किसके पैरेलल था, डी सी के पैरेलल। अब मैंने कहा ट्रायंगल ए डी बी में, यानी ए डी बी में जो मैंने अलग करके लिखा है, ए डी बी में मैंने कहा पी ओ पैरेलल ए बी है, पी ओ किसके पैरेलल है, ए बी, पी ओ पैरेलल ए बी। बच्चे बोलेंगे सर ये तो दिया ही नहीं है। अब एक चीज बताओ बेटा, सवाल में पहले गिवन था कि ए बी साइड किसके पैरेलल है, डी सी के, तो ए बी किसके पैरेलल था, डी सी के। और अगर ए बी डी सी के पैरेलल है, और अगर ये पी ओ साइड डी सी के पैरेलल है ना,
तो ये PO साइड क्या होगा, AB का भी पैरेलल होगा, क्योंकि ये दोनों तो पहले से ही पैरेलल थे, और ये अगर इसके पैरेलल है तो ये इसके ही पैरेलल होना चाहिए भाई। क्यों सर? PO AB के पैरेलल क्यों होना चाहिए? क्योंकि AB और DC आपस में पैरेलल है। तो यहां पे बोल सकते हैं बेटा, ये हमारे पास PO किसके पैरेलल है? PO किसके पैरेलल है बेटा? AB के। यहां पर हम बोल सकते हैं कि ऐसा बोल सकते हैं बिकॉज जो भी हमारे पास, क्योंकि AB किसके पैरेलल है? DC के। क्योंकि AB किसके पैरेलल है? DC के। ठीक है, चलिए सर। तो अब अगर PO, अब ध्यान दो, ट्रायंगल ADB में, ट्रायंगल ADB में PO किसके पैरेलल है? AB के। PO किसके पैरेलल है? AB के। तो अगर PO पैरेलल AB है तो आप BPD थ्योरम से बोल सकते हो कि सर DP अपॉन में AP है ना, मतलब PD अपॉन में AP, जो आपको बोलना है कि PD अपॉन में AB, अगर जो आपने यहाँ लिखा था, यहाँ कुछ ऐसे लिखा नहीं सर हमें, ठीक है जी। तो देखो बेटा, जो हमने यहाँ लिखा था A, यहाँ बेटा, ठीक है, यहाँ ना AP अपॉन, चलो कोई नहीं। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि बेटा PD अपॉन में AP, PD अपॉन में AP उल्टा ना, ट्रायंगल ऐसा है, PD अपॉन में AP किसके बराबर हो जाएगा बेटा? OD अपॉन में OB, OD अपॉन में OB, OD अपॉन में OB, ठीक है जी, बाय BPD, बाय BPD। बेटा कौन सा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा सर आप कह रहे हो कि सर कैसे हो गया ये? अरे बेटा मैंने क्या, देखो ना ये ट्रायंगल लिया मैंने, यहाँ पर अलग किया सर, अगर ये देखो ना उल्टा करके देखो, थोड़ा थोड़ा सा इमेज बनाओ ट्रायंगल की अपने माइंड में, कि अगर PO साइड AB के पैरेलल है, यानी DP अपॉन में AP, DP अपॉन में AP बराबर DO अपॉन में OB। अब उल्टा मत बोलो, नहीं सर ट्रायंगल तो ऐसा है ना, तो चलना यहाँ से पड़ेगा। अब मैं अगर बोलूँ कि इक्वेशन टू और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कुछ कॉमन चीज है, अब बच्चे बोलेंगे सर कॉमन तो है, सर कॉमन ये है कि सर यहाँ AP अपॉन PD है, सर यहाँ भी AP अपॉन PD है पर उल्टा है, ये AP ऊपर PD नीचे, और यहाँ पर PD ऊपर AP नीचे, है नहीं भाई साहब? ठीक है, एक काम करो, इसको टू मत मानो, ठीक है, इसको दोनों दोनों साइड क्या ऊपर कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। हम बोल सकते हैं कि रेसिप्रोकल बोथ साइड, रेसिप्रोकल बोथ साइड, दोनों साइड रेसिप्रोकल करने पर उल्टा हो जाएगा ना, दोनों साइड कर सकते हैं भाई, AP ऊपर PD नीचे, AP ऊपर PD अपॉन में, और यहाँ OB ऊपर OD अपॉन में, OB ऊपर लिख दो OD अपॉन में आ जाएगा। अब देखो इक्वेशन सेकंड मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड में AP अपॉन PD आ रहा है, और फर्स्ट में भी AP अपॉन में PD आ रहा है, आ रहा है ना भाई साहब? नहीं आ समझ में? फर्स्ट इक्वेशन में भी AP अपॉन क्या है? PD, और सेकंड में भी AP अपॉन में PD, तो क्या हो जाएगा बेटा दोनों से बताओ भाई साहब? लोकेश बिस्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकते हो आप? सर AO अपॉन OC भी AP अपॉन PD के बराबर है, और OB अपॉन OD भी AP अपॉन PD के बराबर है, तो AO अपॉन OC बराबर किसके हो जाएगा? OB अपॉन OD के ना। अभी यहां कहां जा रहे सर? रुकिए जरा, ठहरो, क्या कर बोल बताइए, क्या कंफ्यूजन है बेटा आपको? AO अपॉन OC इक्वल हो जाएगा किसके? OB by किसके? OD के। AO अपॉन OC बराबर OB अपॉन में OD के, ठीक है। अच्छा, क्या मुझे कुछ ऐसा चाहिए था? चलो सर ऐसा नहीं चाहिए था मुझे, तो AO के अपॉन में क्या चाहिए? OB चाहिए, है ना, मुझे ये चाहिए, ठीक है जी। ये आपसे विजिबल है, आपको यहाँ से लिख दूँ मैं यहाँ पर, ठीक है जी? आप समझे नहीं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ हाँ, समझे नहीं, जरा भी इनका ना, अभी अभी सवाल में कन्फ्यूज है, तो बताइए क्या कर, आप क्या करें मुझे सवाल में? ट्रेवलिंग प्रॉपर्टीज क्या है? ट्रेवलिंग प्रॉपर्टी ये कि उसके एक साइड साइड का एक पेयर पैरेलल होता है बस। हाँ नहीं नहीं, बाई साइड कौन सी? एंगल बाई साइड, क्या चलेगा, बात करेंगे
बात करेंगे। आप कंफ्यूज मत होइए, आप ये देखिए ना, आप फालतू क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? हमारे सामने तो सीधा रास्ता दिया हुआ है, आप जिस गांव में जाएंगे वहां का रास्ता क्यों पूछे हम? तो सीधा रास्ते पर चले ना। अब पांच प्रॉपर्टी कौन से बोल रहे पता नहीं, वो तो मुझे यार चलिए नहीं। तो अभी मुझे क्या चाहिए? मुझे ए ओपन में ओ बी चाहिए, मुझे ए ओपन में क्या चाहिए? ओ बी। कोई नहीं, ओ बी को उसको नीचे ले आओ, है ना। तो बेटा मैं यहाँ इसको कर देता हूँ इधर, यहाँ पे स्पेस नहीं, मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको, ठीक है। देन है ना, यहाँ का मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ए ओपन में ओ बी, और ठीक है, ए ओ ए ओ ऐसे ही था, ओ बी इसके नीचे आ गया। फिर मैं क्या करूँगा, ओ सी को ऊपर भेज दो और ओ डी ऐसे ही है, ठीक है। ये मुझे प्रूव करना था कि ए ओपन में ओ बी इक्वल टू ओ सी बाई ओ डी, हो गया सर, ठीक है। दस ओवर है क्या सर अभी? ठीक है जी, ठीक है सर। 10 क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं और क्या, खत्म। लास्ट क्वेश्चन इसको सीमेंट लेते हैं, क्योंकि 9-10 दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, क्या बोला गया है? ये बोला गया है कि द डायगनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ पॉइंट ओ। अच्छा, एक क्वाड्रिलेटरल है, अब प्रूव क्या करना है? उसकी सकल ट्रेपेजियम जैसी बना दो भाई, ए बी सी डी, है ना। अब जब डायगनल ऑफ द डायगनल ऑफ है ना, एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, ऊपर काट रहे हैं। चलिए सर, तो बेटा गिवन अगर बात की, गिवन गिवन क्या है कि ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, मेरे को क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, और क्या इसके डायगनल एक दूसरे को काट रहे हैं। तो मतलब गिवन में क्या है कि ए अपॉन में बी ओ, ए ओ अपॉन में ओ बी, इस पर एक गिवन है, ए अपॉन में ओ बी किसके बराबर है बेटा, सीओ, सीओ बराबर डी ओ। प्रूव करना है कि ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, प्रूव करना है कि ए बी सी डी ट्रेपेजियम है। रिया शर्मा ये क्या बोलना चाह रहा है घुमा फिरा कर, ये कह रहा है कि ए बी सी डी ट्रेपेजियम है। शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में बोले तो ए बी पैरेलल सी डी, बिल्कुल सही कहा आपने। यानी देखो, टू प्रूव ये बोलना चाह रहा है कि ए बी ए बी ए बी सी डी पर करे, प्रूव करो कि ए बी सी डी ट्रेपेजियम है। अब सोचो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका एक साइड क्या होता है ना, एक साइड का पेयर पैरेलल होता है, यानी साइड का पेयर, यानी ए बी पैरेलल, ए बी पैरेलल डी सी, ये प्रूव करना चाह रहा है, मतलब वो ये बोलना चाह रहा है हमें। अच्छा, ये बात है, चलिए सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गिव वन टू प्रूव, जब प्रूफ पर आ जाते हैं, ठीक है। अब सर बिना कंस्ट्रक्शन के कैसे हो सकता है ये, ठीक है, कुछ जुगाड़ बढ़ाना, कंस्ट्रक्शन में कुछ बढ़ाना पड़ेगा हमें इसमें। चलिए सर, है ना, प्यारे बच्चों क्या करें, ठीक है, एक काम करिए बेटा, एक काम करिए, कंस्ट्रक्शन बैठा दीजिए आप, क्योंकि ए ओ अपोन में ओ बी ऐसे काम चलेगा नहीं, ठीक है जी। आप ना कंस्ट्रक्शन करिए, जैसा हम करे थे वैसे ही करिए, बराबर करिए बेटा। आप एक काम करिए बेटा, कंस्ट्रक्शन करिए इसमें, ऐसे करिए कि ड्रॉ ड्रॉ पी ओ पैरेलल डी सी, पी ओ पैरेलल डी सी, ओके, ठीक है, पी ओ पैरेलल डी सी। देखो प्यारे बच्चों, ये ए ओ, चलो आप प्रूफ पे आ जाते हैं, ए अपोन में ओ बी, ए ओ अपोन में ओ बी बट किसके इक्वल है, सी ओपोन में डी ओ के। अब ये ए ओ अपोन में ओ बी डी ओ डी सी ओ अपोन में डी ओ अजीब सा है, तो पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में लाऊं कि जैसे ए ए ओपन ओ बी है ना, तो मैं चाहता हूँ ए ओपन में क्या आ जाए, ओ सी आ जाए,
ठीक है, एक काम करो इसको इसके नीचे चल लाओ बेटा, ए ओपन में क्या लिखो ओ सी, और ओ बी को वहां भेज दो, ओ बी अपॉन में डी ओ, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। चलिए सर अब लिखिए प्यारे बच्चों, एक काम करिए इन ट्राइंगल, अब लीजिए बड़ा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी सी, अगर बात करूं इन ट्राइंगल ए डी सी, अगर मैं ट्राइंगल ए डी सी बात करूं, अगर बात करूं बेटे ट्राइंगल ए डी सी की, तो बेटे मेरे पास क्या है पी ओ, ठीक है पी ओ बेटे किसके पैरेलल है डी सी के, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है एक कंस्ट्रक्शन से हुआ, तो अगर पी ओ साइड डी सी के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, इसका मतलब ए पी अपॉन में पी डी, ए पी अपॉन में पी डी बेटे किसके बराबर हो जाएगा, ए ओपन में ओ सी, ए ओपन में इसको मान लो सेकंड, इसको मान लो सेकंड, और ए पी अपॉन पी डी, ए पी पी डी, ए पी पी डी इक्वल टू ओ बी डी ओ, ओ बी डी ओ, ओके बा बस खत्म, माँ ज़्यादा ज़्यादा नहीं जाना, ज़्यादा नहीं जाना, हो गया हो गया, क्यों हो गया, अब दोनों में क्या देख रहे हो आप, इक्वेशन फर्स्ट में भी क्या आ रहा है ए ओपोन में ओ सी, और इक्वेशन सेकेंड में भी क्या आ रहा है ए ओपोन में ओ सी, यहाँ लिख देना बाई बी पी डी, किससे बाई, ये बी पी डी से हो गया, किससे बी पी डी से है ना, और ये इक्वेशन सेकंड, तो फर्स्ट में भी ए ओपन में ओ सी आ रहा है और सेकंड इक्वेशन में भी ए ओपन में ओ सी आ रहा है, तो विनायक जी यहां बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, समीकरण एक और दो से ये हो जाएगा, समीकरण एक और दो से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा विनायक, विनायक जी क्या हो जाएगा, ओ बी अपॉन डी ओ, ओ बी अपॉन में डी ओ बराबर ए अपॉन में ओ सी, ए ओपोन में ओ सी नहीं हो जाएगा, ए पी अपॉन पी डी, ए पी अपॉन में पी डी बेटा, इक्वेशन फर्स्ट में भी ए ओपोन ओ सी आ रहा है, सेकंड में भी ए ओपोन में ओ सी आ रहा है, तो ओ बी अपॉन ओ डी भी ए ओपोन ओ सी के बराबर है और ए पी अपॉन पी डी भी ए ओपोन ओ सी के बराबर ही है, इसलिए ए ओ अपॉन ओ सी बराबर हो जाएगा ए पी ए बी बाई पी डी, ओ बी अपॉन सॉरी है ना, मतलब इसलिए ए ओ बी अपॉन ओ डी बराबर हो जाएगा ए पी अपॉन पी डी के, ओ बी अपॉन ओ डी बराबर ए पी बाई पी डी के। अब ये तमाशा देखने के लिए नहीं है, इसको देखिए ये कि ये जो हम लाए हैं फिगर में इसके साथ क्या हो रहा है, फिगर में ओ बी बाई ओ डी, यार ओ बी बाई ओ डी उल्टा आ रहा है, जो ट्राइंगल बनना कुछ ऐसा ठीक है ना, ओ बी बाई ओ डी उल्टा, और ए पी बाई पी डी, ए पी बाई पी डी कहीं ना कहीं ट्राइंगल तो ऐसे बनना ना ऐसे है ना, आइए आ रहा है नीचे साइड के रेशियो तो ऐसे जाता है यहाँ से इधर को, तो इसको कर दो दोनों साइड रेसिप्रोकल, क्या कर दो रेसिप्रोकल, ओ डी को भेज दो ऊपर और ओ बी को भेज दो नीचे, यहाँ भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर कि पी डी को भेज दो, क्या बेटा पी डी को भेज दो ऊपर और ए पी को भेज दो नीचे, क्या हो जाएगा ओ डी बाई ओ बी, ये हो जाएगा ओ डी बाई ओ बी बराबर पी डी बाई ए बी बराबर पी डी बाई ए बी, और आप ऐसे ऐसे देखें ना, ये ट्राइंगल है मेरे पास, ठीक है ट्राइंगल मेरे पास, इसका नाम क्या है ए, इसका नाम क्या है बी, इसका नाम क्या है डी, इसका नाम है पी, इसका नाम है ओ, अब देखिए ऐसे तो ये अब क्या आ रहा है, कह रहा है ओ डी अपन ओ बी, कह रहा है ओ डी अपन में ओ बी किसके बराबर आ रहा है पी डी अपन में ए पी के, पी डी अपन में ए पी के, तो बताओ चौनिया, चौनिया जी अगर ऐसे हो रहा है तो क्या बोल सकते हो इस ट्रायंगल में आप, अगर इस ट्रायंगल में आपको ऐसे दिख रहा है ये दोनों साइड आप भी इस फिलहाल इसमें देखिए आप, यहां पर ओ डी अपॉन ओ बी
और अपॉन इज इक्वल टू पी डी अपॉन ए पी हो रहा है, पी डी अपॉन ए पी हो रहा है, ए बी पैरेलल पी ओ है ना, किससे? बाय बीपीटी इनवर्स, साइड का रेशियो दे रखा है तो दोनों साइड क्या हो जाएगी? पैरेलल, यानी देन हम बोल सकते हैं क्या सर, पी ओ पैरेलल ए बी, पी ओ पैरेलल ए बी, थ्योरम 6.2 लिख देना, थ्योरम 6.2 लिख देना बेटा यहाँ पर, थ्योरम 6.2 लिख देना यहाँ पर, ठीक है, बाय कन्वर्जन ऑफ बीपीटी। अब एक से बताओ बेटा, अब आप एक से देखो क्या आया है, पी ओ पैरेलल ए बी। अब एक चीज देखो बेटा, शुरुआत में मैंने क्या लेट किया था, क्या लेट किया था बेटा कंस्ट्रक्शन में, कि पीओ किसके पैरेलल है, डीसी के।